हर मुल्क दियां सरकारां कोरोना वायरस नूं फैलण तों रोकण लई लगातार सख्ती वरत रही है। हालांकि कैनेडा सरकार भी बेहद सख्त है, जिसके चलते बीते दिन ब्रैम्पटन विच लोग के वड्डी गिणती विच इकट्ठे होकर पार्टीज करने वाले लोग पुलिस दे हत्थी चढ़ गए। हुण इन्हां लोगों नूं पुलिस ने $1,00,000 का जुर्माना लगाया। इस मुतलक जस्टिस ऑफ पीस वालों 13 लोगों नूं समन जारी किए गए हैं, जो कि 24 तो 27 जुलाई विचाले चार हाउस पार्टीज का प्रबंध करके कोरोना वायरस नूं फैलण का मौका दे रहे सन। जी हाँ, बायलॉ ऑफिसर्स वालों शुरुआत में $880 के जुर्माने किए गए सन, पर फिर इन्होंने वापस भी ले लिया गया ता जो नियम तोड़न वालों मोटे जुर्माने किए जा सकन। ब्रैम्पटन के बायलॉ एनफोर्समेंट मैनेजर JP मॉरिस के मुताबिक महामारी से संबंधित नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों से अदालत हुण सख्ती नाल निजिठेगी। मॉरिस ने भी दसिया कि कई लोगों ने घर किराए से लैके पार्टीज की, जिस कारण बहुते लोगों की हालत तक पछाण नहीं हो सकी है। उन्होंने भी कहा कि सिर्फ 10 लोगों को इकट्ठे होने की इजाजत थी, पर 100 तो वध लोग इकट्ठे होकर पार्टीज करते दिखाई देते। गौरतलब है कि ब्रैम्पटन विच वड्डी गिणती विच लोग कोरोना वायरस से शिकार हो चुके हैं, फिर प्रशासन वालों वायरस को फैलने तो रोकने लई नियमों की सख्ती नाल पालना करवाई जा रही है।